पाकिस्तान सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलाबारी की है। इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। रिहायशी इलाकों में की गई इस नापाक फायरिंग से एक नागरिक के घायल होने की खबर आ रही है, जिसे अस्पताल में समय रहते भर्ती करवा दिया गया है। मंगलवार को पाकिस्तान 3 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इससे पहले आपको बताएं कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारत पाकिस्तान की इस नापाक फायरिंग का हर समय मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और दे रहा है मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की इस नापाक फायरिंग को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब तक पुलवामा हमले के बाद 50 से ज्यादा बार जो है सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। एलओसी पाकिस्तान ने करीब 80 गांव को अपना निशाना बनाया है। पाकिस्तान फायरिंग में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि मंगलवार को एक दिन में ही 3 बार सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तान शेलिंग में अब तक 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मोर्टार दाग रहा है, शेलिंग कर रहा है। पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, 50 से ज्यादा बार तोड़ा सीज फायर। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अजय झांडियाल से, जो जुड़ गए हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सीधा। अजय झांडियाल, एक तरफ तो देश के अंदर राजनीति हो रही है आतंकवादियों की मरने की संख्या को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से यहां पर हर दिन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। 50 से ज्यादा बार हो चुके हैं जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया है सीमा पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देश की राजनीति जो करने वाली सियासतदान हैं, जो पार्टियां हैं, खासतौर पे जो देश की सेना को लेकर आतंकवाद को लेकर राजनीति करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट चीज है। मगर दूसरी तरफ देखें तो लगभग जो है 50 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हुआ है। हजारों की संख्या में लोग हैं जिनको पाकिस्तान निशाना बनाने के प्रयास कर रहा है। 4 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 4 युद्ध विराम के उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। एक जिसमें खासतौर पर देखें तो पुलवामा का केरी सेक्टर है, नौशहरा है, राजौरी है और उसके अलावा पुंछ सेक्टर पड़ता है, जहां पर युद्ध विराम के उल्लंघन हुए हैं। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, अभी भी कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मंशा क्या हो सकती है। पाकिस्तान की मंशा अभी जान लिया साफ है। यहां पर एक नागरिक की खबर होने घायल होने की भी खबर आ रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपसे जानना चाहूंगी, पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया, आपने हर पल की अपडेट हमें पहुंचाई है, आप बहुत ही बारीकी से जम्मू कश्मीर पर नजर रखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के पूरे आतंकी घटनाक्रम के बाद जम्मू कश्मीर में जो आम जनता है वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। देखिए, जहां तक आतंकवाद की बात की जाए तो कश्मीर में लगातार जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है उसे मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा एजेंसियां तो दे ही रही हैं, मगर उसके साथ साथ कश्मीर के आम लोग भी दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है, यही वजह है कि रोज एनकाउंटर होते हैं। यही जानकारी सिविलियंस जो है वहां के कश्मीरी वो खुद सुरक्षा बलों को देते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की फायरिंग की बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो लगातार फायरिंग हो रही है, मगर उसके बाद भी लोगों में जज्बा जो देश प्रेम का है वो देखने योग्य है। लोग लगातार डटे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवाए हुए हैं फायरिंग के चलते, वहीं दूसरी तरफ भारतीय गांव की बात करें तो ग्राउंड जीरो जीरो लाइन पे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जो घर है पाकिस्तान पे ये एलओसी पर, वहां पर लोग रहते हैं। हम 2 दिन पहले एक घर में गए थे, वहां पे शादी थी और वो शादी को लेकर चिंतित जरूर थे कि वहां शादी कैसे होगी या क्या है, मगर रह वो वही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में। बिल्कुल, हमने देखा था जांडियाल आपका वो वीडियो, वो रिपोर्टिंग हमने दर्शकों को भी दिखाई थी, किस तरह से शादी का माहौल घर में नहीं देखा जा सकता था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस तरह के सीज फायर की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।